हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल भाई फाइव स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी 2018 के संबंध में एक बड़ी खबर लेकर के हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका पीईटी जी हाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरा हो चुका है। अब आपके जो है सर्टिफिकेट का जो है वेरिफिकेशन होगा और ये कब से शुरू होगा इसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। कल सोमवार था, सोमवार तक जो भी बच्चे बचे हुए थे उनका जो है पीईटी हो चुका है और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चों को कॉलिंग की गई है इसके संबंध में पूरी जानकारी देंगे और कितने बच्चे नहीं आए उसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के संबंध में हो, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी 1,03,557 के संबंध में हो, 2019 वैकेंसी के संबंध में हो, आप तक हम आसानी से पहुंचा सकें। तो लेते हैं पूरी खबर, देखते हैं जो हमें आज न्यूज़पेपर में प्राप्त हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी, अब दस्तावेजों का होगा वेरिफिकेशन। जुट करके पूरी खबर ले लेते हैं, ये प्रयागराज से जो खबर प्राप्त हो रही है देख सकते हैं आप। 26 मार्च से DSA मैदान पर चल रही रेलवे की ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार को पूरी हो गई। अंतिम दिन 535 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। अब अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा जिसके उपरांत उनकी मेडिकल जांच होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 2 सप्ताह के भीतर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये बड़ी चीज़ है, दस्तावेजों के जो आपके सत्यापन होंगे वो 2 सप्ताह के भीतर स्टार्ट हो जाएंगे। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRC इलाहाबाद ग्रुप डी के 4,762 पदों के लिए 26 मार्च से DSA मैदान पर शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही थी। जैसा कि हमारे कुछ अभ्यर्थियों ने इसके एग्जाम दिया भी होगा, इसमें कुल पदों की संख्या से 3 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसमें पुरुष और महिला अभ्यर्थी शामिल थे। सोमवार को ऐसे पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जो पूर्व में किन्हीं कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए थे। सोमवार को बुलाया गया लगभग 1,100 अभ्यर्थियों में से 719 1,100 बुलाए गए थे, जो बचे हुए थे 719 उसमें से आए। उन्होंने पहले 35 किलो की बोरी लेकर 100 मीटर की रेस पूरी की। उसके बाद 1,000 मीटर दौड़ में 535 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर सके, जबकि 184 को मायूस होकर वापस जाना पड़ेगा। RRC इलाहाबाद के चेयरमैन विवेक प्रकाश का कहना है कि ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार को संपन्न हो गई। अब 2 सप्ताह में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच होगी। इसके लिए 5,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिनके दस्तावेज पूर्ण रूप से सही पाए जाएंगे उन्हें मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट के आधार पर अंतिम सूची जारी होगी फिर नियुक्ति दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप दे भी सकते हैं, जो बच्चे हैं ये चेक कर रहे थे अपना जो है वहाँ पर लगा दिया गया है नोटिस बोर्ड में, यहाँ से देख सकते हैं आप। 14,288 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था शारीरिक दक्षता परीक्षा में, जिसमें से 12,189 उपस्थित हुए, 8,144 जो है वहाँ पर क्वालिफाई किए, 4,045 डिसक्वालीफाई हुए, 459 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था शारीरिक दक्षता परीक्षा में, जिसमें से 323 महिलाएं अभ्यर्थी शामिल हुई और 157 महिला अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया, 166 डिसक्वालीफाई होगी। तो पूरी खबर थी यहाँ रेलवे ग्रुप डी जो आपकी 2018 पुरानी वैकेंसी है 62,000 के आसपास उसके संबंध में चाहिए सत्यापन कब होगा, आपका मेडिकल कब होगा। तो पूरी खबर थी, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद। कोई और भी खबर प्राप्त होती है तो आप तक जरूर पहुँचाई जाएगी।